हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा हिसार में लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं द्वारा हरियाणा सरकार में हुए शराब रजिस्ट्री व जीरी घोटाले के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा घोटालों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने के लिए जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार में शराब रजिस्ट्री जीरी खनन सरसों आदि करोड़ों अरबों रुपए के घोटालों पर घोटाले हुए हैं। यहां तक कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए की शराब तस्करी के परते लगातार खुल रही हैं। इस घोटाले के तार सीधे सीधे उच्च पदों पर बैठे सरकार के चहेते व आला अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। शराब घोटाला उजागर होने के बाद इसे दबाने की साजिश थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन किया था, जिसके पास इस घोटाले की तह तक जाने की शक्तियां ही नहीं थी। सरकार शराब घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है। यदि शराब घोटाले की निष्पक्ष जांच होती है तो घोटाले की पूरी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि इसी प्रकार अवैध तरीके से कोरोना महामारी में रजिस्ट्रियों का खेल खेल कर सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया, जबकि रजिस्ट्री करते समय नियमों का ध्यान ना रखते हुए ना ही DTP से अनुवादित प्रमाण पत्र लिया गया, जबकि हरियाणा के 30 से ज्यादा शहरों में कंट्रोल एरिया में हुई रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है। इन रजिस्ट्रियों में करोड़ों रुपए का घोटाले को अंजाम दिया गया। प्रदेश में कोई भी तहसील में बिना रिश्वत लिए रजिस्ट्री कराना तो दूर की बात, कोई भी काम बिना रिश्वत नहीं होता। बजरंग गर्ग ने आगे कहा कि इसी प्रकार 6 सालों के दौरान इस सरकार में कई घोटाले हुए हैं। इन घोटालों में रोडवेज किलोमीटर योजना घोटाला, SSC भर्ती घोटाला, SSC छात्रवृत्ति योजना घोटाला, धान खरीद घोटाला, बिजली मीटर घोटाला, ऐसे कई घोटाले शामिल हैं। इसके अलावा सरकार में अनेकों और घोटाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इन घोटालों की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से राज्यपाल को जांच करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और दोषियों को सजा मिलते हुए उनसे करोड़ों रुपए की घोटाले की रिकवरी हो सके। भिवानी से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ा रही। जहां तक हमारा खुला ऐलान है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विधानसभा और सड़कों के ऊपर जनता के हित की लड़ाई लड़ेगी। जहां तक कोरोना महामारी के अंदर देश की जनता जूझ रही थी, बीमारी से जूझ रही थी, भूख से जूझ रही थी, मगर लॉकडाउन के दौरान भी इस सरकार के अंदर रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला, खनन घोटाला, अनेकों प्रकार के घोटाले इस राज के अंदर हुए। तो मेरी राज्य आज हमने जो ज्ञापन दिया है DC के माध्यम से राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है, उसके अंदर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग करी है। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, अगर सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करवाए। मैं दावा के साथ कहता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज रिश्ती घोटाले की जो बात मैं कह रहा हूँ, रिश्ती घोटाला कोई कुछ जिले में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में ऐसा कोई तहसील नहीं जहाँ बिना रिश्वत लिए, रिश्ती छोड़िए, कोई भी काम तहसील के अंदर होता हो, तो मैं आपके सामने दावे के साथ कहता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।